हेलो गाइस, अनिल ह्यूमन मैं आपका स्वागत करता हूँ। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम भी ठीक हैं। आज मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था कि मैं रोलर का इस्तेमाल कर रहा था। तब मैंने एक आर्टिफिशियल रोलर बनाया था और मैं उसको यूज़ कर रहा था, लेकिन आज मेरे पास ओरिजिनल रोलर है। और बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि इस रोलर को कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ सफरर। तो मुझे किस तरह से बताया गया इस रोलर को यूज़ करना, तो मैं उसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जिन लोगों ने भी मुझसे ये चाहा था कि मैं इसका यूज़ भी बताऊँ उनको, तो मैं बताने वाला तो कौन होता हूँ, बट स्टिल मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे मुझे बताया गया है, मैं उस तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये है रोलर, ये फोम का शायद है, काफ़ी हार्ड है। तो ये मैं अपनी पूरी बॉडी पर लगा के इसको अब तक पहुंचा रहा हूं, और शायद आपको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। यूज करिएगा इसको, आर्टिफिशियल बना के भी यूज हो सकता है और ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत फास्ट रोल नहीं करना है, इसको बहुत स्लो मोशन में करना है। और जिस पॉइंट पे भी आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है या नस में थोड़ा खिंचाव आ रहा है, तो उस पॉइंट पर रोकिए 10 सेकंड के लिए। सांसें लेना नहीं भूलिएगा, सांस लेते रहना है। और पहले मैं गर्दन से स्टार्ट करूँगा, सारे बॉडी पार्ट्स में बहुत स्लो मोशन में करना है। जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। इसी तरीके से फिर आप इसको लेफ्ट साइड में भी करेंगे। इस तरीके से इसमें बैठना है, यूं बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे, इसको यूं रखना है, हल्का सा इधर को वेट डालना है, एक तरफ को वेट डालना है। अब
अगर लोअर अबडोमल में अगर स्टिफनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस है, उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ठीक यहाँ पे नेवल के ठीक नीचे इस पोर्शन पे इसे रखना है और सांसें लेते रहिए। जितना टाइम आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वो करते रहिए और धसने दीजिए इसको। पेट में जितना अंदर जा सकता है इसको धसने दीजिए, जब तक आप बेयर कर सकते हैं इसको करिए। मैं चेस्ट की भी स्टिफनेस कम कर रहा हूं, चेस्ट भी इसके ऊपर इस तरीके से। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा और आप इसका बेनिफिट उठाएंगे, बॉडी की स्टिफनेस को कम करेंगे। और किसी चीज की शुरुआत है, कहीं ब्लॉकेज की शुरुआत है, तो इससे उसमें शुरू से ही आराम मिल जाएगा। खाली पेट करने में ज्यादा बेनिफिशियल है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, प्लस बॉडी मसाज भी हो जाती है, प्लस कोई इनिशियल प्रॉब्लम है तो वो भी इससे शॉर्ट आउट हो जाती है। सो देखते रहिए ब्लॉग को, इसी तरह बने रहिए मेरे साथ।